नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड मिशन 2020 को टारगेट करने के लिए एक्सेलेंट बुक से ज्योग्राफी का पार्ट वन लेकर के आए हैं, जिसमें आपको लगभग 405 टोटल क्वेश्चन कराए जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो निश्चित रूप से आप सभी इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहें। और आप सभी को पता है कि इससे पहले जो है आप लोगों को लगभग 7 वीडियो में हिस्ट्री का लगभग 465 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप लोगों को ये भी लगभग 7 से 8 वीडियो जा सकता है। 7 से 8 वीडियो में ज्योग्राफी का ये 405 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी प्रतिदिन शाम 7 बजे निश्चित रूप से लाइव ज्वाइन करने की प्रयास करें। और साथ ही साथ आप लोगों को मैथमेटिक्स सीरीज़ भी आपको मिल रहा है, रीजनिंग सीरीज़ भी आप लोगों को मिल रहा है। तो हो सके तो 8 बजे से आप लोगों का मैथमेटिक्स या रीजनिंग का सीरीज़ आप लोगों को एक वीडियो प्रतिदिन निश्चित रूप से मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपको पता है कि क्या काम करना है, एक लाइक करना है और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि और भी आपके साथी ज्वाइन हो सके और आपको भी जवाब देने में इंटरेस्ट आ सके। साथ ही साथ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि आपको सामाजिक अध्ययन से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल 60 मार्क के होंगे। एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स निगेटिव जाएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर। आप कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। इससे आपका जो है मोटिवेशन बढ़ेगा जवाब देने में भी, और आप खुद को भी जज कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, एक्सेलेंट के गैस पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो इससे पीछे वाले वीडियो में भी हम आप लोगों के साथ गलत आंसर कुछ शेयर कर दिए थे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि 100 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो मैं सभी क्वेश्चन को गूगल पर सर्च नहीं कर सकता हूँ। अगर ऐसा करूँगा तो हम आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाने में मेरा पूरा दिन का टाइम चला जाएगा। तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन है, 100 में 2 से 3 क्वेश्चन जिसका आंसर गलत दिया हुआ है। तो इससे पीछे वाले 7 पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन गलत था। इसके बाद पार्ट 2 में हिस्ट्री का देखिएगा तो 40 नंबर का और 46 नंबर का आंसर गलत दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको थोड़ा कंसस रहना है और मैं जितना भी हो सके कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सही आंसर मिले। लेकिन 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए हम आपसे मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं सभी आंसर को सही सही मिलान नहीं कर सकता। अगर ऐसा करूँगा तो 2 से 4 वीडियो बनाने में 2 से 3 दिन हमको ज़रूर लग जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को जो है एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि और सारे भी लाइव आ सकें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जरूर देना है। बिल्कुल सही आंसर 7वां स्थान है। भारत के अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है बताइए? भारत के अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा 30 डिग्री का अंतर है। अगला है आपका, भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है, मध्याह्न रेखा का मान कितना है? भारत की मानक मध्याह्न रेखा की मान कितना है? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 82 डिग्री 30 इंच। अगला है आपका, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा है तटीय सीमा रेखा से कितनी गुनी लगभग बड़ी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 2 गुनी लगभग बड़ी है। आगे बढ़ते हैं, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? बहुत बार ये पूछा जाता है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? बहुत सारी सीमा रेखा है जिसका एग्जाम में बहुत बार जिक्र भी किया गया है।
इसका सही आंसर हो जाएगा मेक मोहन लाइन कहा जाता है। अगला है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या मुख्य कारण है? बताइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य क्या कारण हो सकते हैं? गहन खेती, उन्मूलन, अधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण? बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा अति पशुचारण इसका मुख्य कारण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? बिल्कुल सही आंसर लोहा, क्योंकि जो भी कारोबार होता है, अगर मान ले कि गाड़ी बनना या फिर लोहे का कोई और सामान बनना, तो वो ठोस पदार्थ में लोहा ही मुख्य रूप से यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एंड्रीन। एंड्रीन जो है ये ऐसा रसायन है जो मेंढक को प्रजनन करने से रोकता है। आगे बढ़ते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ये जो है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा है इंडिया में। अगला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बिल्कुल सही, और नवीकरणीय है, यानी कि इसे यूज करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? बताइए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 19.27% भारत में 2001 में वन का विस्तार था, जो अब काफ़ी मात्रा में कम भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? अपने शरीर में 80% के आसपास, और प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 65%। आगे बढ़ते हैं, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? कौन सा ग्रह कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, बहुत बार रिपीट भी होता है ये बहुत एग्जाम में, नीला ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा रेगुर मृदा। क्या हो जाएगा? रेगुर मृदा काली मृदा का नाम है, जिसका यूज जो है ज्यादातर ईंट के निर्माण में किया जाता है। अगला है आपका, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 1948 में विश्व में लगभग कितने हेक्टेयर में भूमि में वन का विस्तार था FAO के अनुसार? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर के भाग में जो है विश्व में वन का विस्तार था। अगला है आपका, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? बताइए, आपको इकोनॉमिक, ये जो है पॉलिटिकल साइंस में भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के हित में, ठीक ना, संरक्षण के हित में संविधान की धारा 21 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है बताइए। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में अभी कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मात्र 7% में। 7% में जब बिहार में हो सकता है इतना वन होने के बावजूद, और जगह पर कितना होगा? आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, बिल्कुल सही जवाब, मयूर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर जो केवल भारत में ही पाया जाता है बताइए। इसका जवाब गलत लिया है डॉल्फिन, इसका सही जवाब क्या होगा? जो केवल भारत में ही पाया जाता है ऐसा जानवर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा घड़ियाल। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम के साथ। आगे बढ़ते हैं, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं बताइए। जिमरमैन का, माल्थस का, डार्विन का, या फिर इरेटोस्थनीज का? ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा जिमरमैन का। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है बताइए। सही जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये कोयला का सर्वोत्तम कह सकते हैं कोयला है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सबसे ज़्यादा जो है कौन सी मिट्टी का विस्तार है भारतीय क्षेत्र में? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय या लेटराइट मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है आपका, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर जो है गर्मी होती है और ज़्यादातर धूप जो है राजस्थान में ही पड़ती है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है बताइए, जो प्रयोग किया जाता है परमाणु घर में, यूरेनियम उत्पादक स्थल इसका कौन सा है मेन रूप से? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जादूगोड़ा। आगे बढ़ते हैं, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है बताइए। किसका भंडार सीमित है? मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इसमें कुछ क्वेश्चन मिस है और हमसे मिस हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। निश्चित रूप से आप खुद से भी जो है कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। 29 का, प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, कोयला का भंडार सीमित है, हवा तो चलती रहेगी, मिट्टी भी है ही, सौर शक्ति भी है ही। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है बताइए। सीमेंट जो बनता है उसका कच्चा माल प्रमुख रूप से क्या है? चूना पत्थर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर। आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड, Al2O3, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
एक टन इस्पात बनने में, एक टन लोहा इस्पात बनने में या बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन, आपको पता है एक टन कितना होता है? 100 केजी होता है। 100 केजी इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 10 केजी का उपयोग किया जाता है, मतलब 10%। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य? कर्नाटक, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा मानवकृत, पुनःपूर्ति योग्य, अजैव चक्रीय। जानते हैं लेकिन फिर भी घूम जाएंगे आप। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो दोस्तों इसका जो आंसर लिया है मानवकृत लिया है, जो ये नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा इस तरह से बी नंबर का सही आंसर होना चाहिए, पुनःपूर्ति योग्य ऊर्जा होना चाहिए या साधन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपका जो है क्या जवाब है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगला है आपका, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तारापुर में स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताइए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 3 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 19.2 किलोमीटर तक। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बताइए लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों ये जो है अनवीकरणीय है, ठीक ना, क्योंकि जब ये एक बार संसाधन समाप्त हो जाएगा तो पुनः दोबारा बनाया नहीं जा सकता है, वैसे इसका रियूज होता है, लेकिन जैसे कि वृक्ष सब हो गया तो ये आपका नवीकरणीय हो गया, सौर ऊर्जा आपका नवीकरणीय हो गया, लेकिन लौह अयस्क आपका अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? बताइए तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो लिया है वो बी लिया है 200 nm, जो कि यहाँ पर km होना चाहिए, तो 200 किलोमीटर तक। आगे बढ़ते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। संसाधन ग्रहण संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित दोहन से। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर का, पुनः पूर्ति योग्य नवीकरणीय कह सकते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, बताइए इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, काली मृदा किस फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी है, बताइए अपने बिहार में भी काली मृदा पाई जाती है और किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कपास के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। आगे है, डक्कन डक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ, डक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लावा के प्रवाह से डक्कन ट्रेड का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल का कितना है। कहने का मतलब है हमारा देश इंडिया जो है कुल क्षेत्रफल यानी कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, 32.8 करोड़ हेक्टेयर है कुल क्षेत्रफल का। आगे बढ़ते हैं, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, दो भागों में बांटा जाता है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। आपको नदी से, सागर से, झील से, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऊर्जा से, जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में है लक्ष्मी सागर झील, इसका हम आप लोगों को एक लिस्ट दे देंगे जिसमें आप याद कर पाएंगे कि किस राज्य में कहां पर कितना झील है। निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है। बिल्कुल हो जाएगा इसका सही आंसर, सांभर झील जो है लवणीय झील है। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है, बताइए किस शहर के निकट। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना पाटलिपुत्रा के निकट है। कौन सी नदी भरंस घाटी से होकर के बहती है, बताइए भरंस घाटी से होकर के बहती है, तापी नदी। आगे बढ़ते हैं, कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, गोदावरी नदी जो है भारत की प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। सिंधु जल समझौता कब हुआ, जिस पर विवाद भी चला था इससे पहले, 1960 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। संगपो किस नदी का उपनाम है, बताइए संगपो किसको कहा जाता है, संगपो किस नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को संगपो कहा जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, कुल जल जो है पृथ्वी पर उसका कितना प्रतिशत भाग केवल और केवल महासागर में निहित है, बताइए इसका क्या होगा। 96%, बिल्कुल सही जवाब, 96% महासागर में है और स्थल पर इतनी जल है लेकिन उसमें कितना है, लगभग 4% से भी कम, तो 96.6% हो जाएगा महासागर में निहित है। अगला है आपका, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। अभी भी एक क्वेश्चन आया था, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, मध्य प्रदेश, लगभग जो है 30% मध्य प्रदेश में वन का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1951 से 1980 तक के लगभग में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया, कृषि में परिवर्तित हो गया कितना भूमि। तो 26,200 वर्ग किलोमीटर लगभग वन जो है कृषि में बदल गया। आगे है आपका, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, बताइए कौन सा कन्वेंशन हुआ था 1968 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा,
वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था, ये जो है संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। आगे बढ़ते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। पहला ऑप्शन है आपका 20.6%, दूसरा ऑप्शन है आपका 20.55, उसके बाद 20% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है। सुंदरवन में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका सुंदरवन में। अगला है आपका टैक्सोल का उपयोग होता है। बहुत बार सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टैक्सोल का उपयोग होता है। तो ये पर्यावरण सब्जेक्ट में ईवीएस में जो है आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज में सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका उपयोग कैंसर में किया जाता है, कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारत से, भारत से चरक का संबंध था। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा टिप्पणी है, कारण है जो कहा गया है इसमें, वह वनस्पति जगत और प्राणी जगत का ह्रास का कारण नहीं है। बिल्कुल इसका सही जवाब आपको हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, ये जो है इसका कारण ह्रास का नहीं हो सकता है। पशु कितना भी चर ले, उस इससे नहीं होगा कि वनस्पति खत्म हो जाएगा। जल टूटा हुआ लकड़ी अगर उससे एकत्रित कर ली जाए तो ऐसा नहीं है कि वनस्पति जगत का विनाश हो जाएगा। अगला है आपका, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज आपको अच्छे से पढ़ना है, लूसेंट का बुक आप ले सकते हैं, लूसेंट के बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसका तैयारी कर लीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरा 100% श्योर हो गए। आपको सेल्फ स्टडीज करना पड़ेगा, ऐसा समझ लीजिए भैया, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखिए तो आप कंप्लीट हो जाएंगे अपने आप में। 100% कंप्लीट होना है तो आपको 9th 10th का बुक जरूर सोशल साइंस का पढ़ लेना पड़ेगा, जरूर उसे दोहन कर लेना पड़ेगा। तो 9th और 10th का कोशिश कीजिए सोशल साइंस 100% रीड कर दे सभी सब्जेक्ट को, सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट को। और 10th का भी अगर आपके पास भारती भवन का बुक है तो वो आपके लिए और भी बेस्ट है। 9th और 10th का भारती भवन का बुक पढ़ लीजिए तो आपको कोई भी साइंस में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कितने खनिज पाए जाते हैं, बताइए। 65 का इसका सही आंसर हो जाएगा, 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। आपको पता है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादित होता है, भारत का कितना प्रतिशत अकेले उत्पादित करता है, बताइए। 20%, 100% में से कह सकते हैं 20% जो है छत्तीसगढ़ अकेले जो है लौह अयस्क उत्पादित करता है। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है जिसे लोहा प्राप्त किया जाता है। अगर आपको अयस्क याद होगा तो इसका जवाब आप सही देंगे। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज से जो है लोहा जो है निकाला जाता है, और ऐसा कह सकते हैं लोहायुक्त खनिज है मैग्नीज। अगला है आपका, और यहाँ ये बॉक्साइड से जो है आपको पता है एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा, और इस चूना पत्थर से सीमेंट प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है 68 का। यहाँ पर 75 तक के क्वेश्चन को आज क्लियर कर लेते हैं। 68 का बताइए,
इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक में जो है अधात्विक खनिज पाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं अधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक है। कौन सा लोह अयस्क का एक प्रकार है बताइए? अयस्क का, लोहा का अयस्क जानते हैं, हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये सब लोहा का अयस्क है और इससे लोहा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का, क्या होगा अब भी बताइए, बी नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कमेंट भैया को जोरदार कमेंट करिए, आपको भी जो है थोड़ा बहुत कमेंट करने से भी याद हो जाता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज का उत्पादन करने में भारत का विश्व में क्या स्थान है? 70 नंबर का तीसरा स्थान है, तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? छत्तीसगढ़ तो हो जाएगा आपको इस्पात का, लोहा का, लेकिन उड़ीसा क्या है? उड़ीसा मैग्नीज उत्पादित करता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीज उत्पादित करता है। और यहाँ पर था मैग्नीज से संबंधित एक और क्वेश्चन, जो लोहयुक्त खनिज है और मतलब हो गया खनिज ये जो सॉरी मैग्नीज उत्पादित करेगा तो उससे क्या उत्पादित होगा? अंतः लोहा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं भारत में लौह अयस्क क्षेत्र जो है उसमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक का द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः स्थान है और प्रथम स्थान गोवा का है। तो लौह अयस्क उत्पादन करने में गोवा का प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और तीसरा स्थान जो है कर्नाटक का है। और छत्तीसगढ़ के बारे में जो बात किया गया वो छत्तीसगढ़ के बारे में 23% ही उत्पादित करता है और उसमें 23 ऑप्शन जो है नहीं था, 20% था। तो इस तरह से 20% लगभग में ले सकते हैं, वैसे 23% है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो कहा गया है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक करता है, तो वो हो जाएगा आपका ये सॉरी 71 का। इसका जो है सही आंसर लिया है 71 का, जो देख लेते हैं हम, बी नंबर का लिया है, मैग्नीज उत्पादित करता है। तो मैग्नीज उत्पादित करने में उड़ीसा का प्रमुख योगदान है, सबसे बड़ा उत्पादक है और 23% हो जाएगा लोहा, यानी कि लोह अयस्क कह सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ से आता है। आगे बढ़ते हैं, देश में तांबे का कुल कितना भंडार है बताइए? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? कुल भंडार कितना है? ये सीमित है, 125 करोड़ टन है, सीमित है जो। अगला है आपका, बिहार झारखंड, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? आपको पता है झारखंड में मुख्य जो है अयस्क झारखंड में ही कट करके चला गया है, तो इस तरह से आपको बताना है बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 80%। सोच सकते हैं 80% अकेले जो है बिहार और झारखंड मिला करके अभ्रक का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोयला उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा झारखंड, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट बॉक्स में आप अभी इसका आंसर कीजिए। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, और इसका भी आप आंसर कीजिए अभी कमेंट बॉक्स में, और इसका भी रिप्लाई हम अभी दे देंगे। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ये जो है गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक ना, सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है बताइए? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज एवं तेल उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर आपको सी नंबर का हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज को अब यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 150 तक के क्वेश्चन को ऐड करेंगे। लगभग 5 से 6 वीडियो में लगता है ये समाप्त हो जाएगा अगर इस तरह से सीरीज चलता रहे तो। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप सभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा, टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम को सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलेंगे। और इससे पहले दोस्तों एक ज़रूरी सूचना और दे दूं कि आपको मैथ और रीजनिंग का भी बैच स्टार्ट हो गया है, उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है बहुत। और बता दें कि अभी जो है आज शाम में, मतलब कि अभी ये वीडियो तो पब्लिश कर ही देंगे, साथ ही साथ मुकेश सर का वीडियो जो है कोशिश करेंगे 8:30 बजे तक में लाइव हो जाए। तो 8:30 बजे आप सभी अभी लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा मुकेश सर का, वो मैथमेटिक्स से लेकर के चलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर। तो इस तरह से मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।